आपको टैग और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ की मिठाई है। जी हाँ, आधे कप चने से आधा किलो मिठाई बनकर तैयार होती है। ना हम इसमें खोआ का इस्तेमाल करेंगे, ना पनीर का, ना ही मिल्क पाउडर का, ना क्रीम का, फिर भी ये एकदम स्मूथ मावा फ्लेवर का बनकर तैयार होगा। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत ही कम समय में ये टेस्टी रेसिपी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप चना लिया हुआ है। भुना हुआ चना आसानी से मिल जाता है, आप इसकी जगह भुना हुआ चने की दाल भी ले सकते हैं, जो नारियल की चटनी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके छिलके को हमें निकाल लेना है और एक मिक्सर जार में इसे डाल देना है। उसके बाद हम यहाँ पर 3 से 4 बादाम लेंगे, थोड़े काजू, थोड़ा सा हमने 2 इलायची ली हुई है, जिससे कि इसका ज़्यादा फ्लेवर ना आए। यहाँ पर मखाना आधा कटोरी छोटी मैंने डाल दी है। और सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, ये आपको दरबरा लग रहा होगा, लेकिन हम इसे आगे बनाएंगे तो एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर हमने कढ़ाई गैस पर रख दी हुई है, 1 कप हमने यहाँ पर चीनी डाली है और गैस की फ्लेम को हाई किया है। जब हल्का सा ये मेल्ट होने लगे तब हमें यहाँ पर चलाते रहना है। तो इस तरह से चलाएंगे तो ये आप समझ गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं, कैरेमल बना रहे हैं शक्कर का। तो इस तरह से अब धीमी गैस कर दीजिए, नहीं तो ये जल जाएगा, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो धीमी आंच पर इस तरह का जब कलर आ जाए, पहले का देखिए कैरेमल और अब का, तो इस तरह का कलर आ जाए तो आप इसमें हम 1 गिलास दूध डालेंगे। लगभग ये आधा लीटर दूध है। और उसके बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। देखेंगे कैरेमल जम जाएगा, कड़क हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे चलाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए और चलाएंगे तो कैरेमल मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 चम्मच ताज़ा क्रीम लेंगे दूध का और उसे भी इसमें मिला लेंगे। तो कैरेमल अच्छे से मिल गया है और यहाँ पर जो क्रीम डाली थी वो भी अच्छे से मिल गई है। तो जो हमने पाउडर तैयार किया था चने का, उसे इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को धीमा रखिए। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पाउडर में काफ़ी गुठलियाँ पड़ गई थी। तो ये गलती मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा धीमी आंच पर आप इसे मिलाइए, एकदम स्मूथ स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है। तो हमें धीमी आंच पर इसे पकाते रहना है और एकदम स्मूथ मावा जैसे स्ट्रक्चर आ जाएगा। जब कढ़ाई हल्की छोड़ने लगे तब हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है। और यहाँ पर हमने केक कंटेनर लिया हुआ है। केक कंटेनर में हम घी से थोड़ा सा इसे ग्रीस कर देंगे, तेल से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बनाकर रखा हुआ है चने का, वो यहाँ पर मिठाई बैटर डाल देंगे और इस तरह से इसे स्मूथ कर लेंगे। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, ये सख्त होता जाएगा, आपको अभी ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा होगा, लेकिन ठंडा होने के बाद ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए सेट भी अच्छे से हो गया है। तो इसे हमें इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर आप जो आपको मनपसंद ड्राई फ्रूट है डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम से इसे डेकोरेट किया हुआ है। आप इसकी जगह बादाम, पिस्ता, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है उसे डाल दीजिए और इस तरह से हल्का सा स्पैचुला से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि निकले नहीं। आधा घंटे के रख दीजिए बाहर या फ्रिज में 15 मिनट के लिए, अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो चाकू की सहायता से साइड का कॉर्नर हम कट कर लेंगे, जिससे कि साइड में चिपका हो तो निकल जाए। तो इस तरह से एक थाली से इस तरह से उल्ट करेंगे और टैप टैप करेंगे
ये आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर आ चुका है हमारी मिठाई का। ये कोई कह ही नहीं सकता कि आधे कप भुने चने से ये हमने टेस्टी मिठाई बनाई हुई है। तो अब चलिए इसे काट लेते हैं और काट के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा और कितना अच्छा सा, जैसे मावा और खोए या पनीर का बनता है सेम वैसा ही आया हुआ है। हमने एक्स्ट्रा कोई कलर या एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ऐड की है जो महंगी हो। तो बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार होता है। तो आप इसे कब बना रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। ये देखिए लग रहा है ना मावा की मिठाई, लेकिन ये इतनी आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, इतनी स्मूथ है कि आपके मुंह में घुल जाने वाली है। चलिए फटाफट इसे सर्व कर लेते हैं। कोई कह सकता है कि आधे कप चने से हमने आधा किलो मिठाई बनाई है? जी नहीं। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़े से बादाम काजू से फिर से डेकोरेट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने फेसबुक पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी रेसिपी अपने लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने भाइयों का भी ध्यान रखिए और हैप्पी रक्षाबंधन।